temperature of three types of coordination compound. One is the compound containing complex cation and simple anion. Second one is the compound containing only complex anion. And third one is the neutral complexes. Last video में हमने ये भी देखा था कि compound containing complex cation and simple anion ये दो अलग type के दो example है, तो ये भी यहाँ पे हम discuss करेंगे इस video में, compound containing complex cation and simple anion. ओके तो यहाँ पे हमको जिस टाइप ऑफ कंपाउंड को क्या देना है, नॉमेनक्लेचर देना है. तो पहले जो टाइप है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, यहाँ पे आपको दिख रहा है Fe4 Fe CN/6 ब्रैकेट/3. ओके तो इस टाइप के कंपाउंड को हमको क्या देना है, नॉमेनक्लेचर देना है. तो पहला जो हमने बोला था कि जो रूल रहता है कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन को लिखने का, वो रहता है कि जो काउंटर आयन है वो काउंटर आयन पॉजिटिव कैटायन हम पहले लिखेंगे. कोई बताया था कि कैटायन पहले लिखते हैं, कैटायन के बाद यहाँ पे आएगा स्पेस, क्या आएगा स्पेस आएगा. स्पेस के बाद क्या होगा, जो लाइगन है वो लाइगन के नेम आएंगे. लाइगन के नेम के बाद क्या आएगा, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल एटम इज रिप्लेस बाय एटीई और प्लस क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है ये आपको थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा. ब्रैकेट में दिया Fe CN/6/3. ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला क्या आएगा, यहाँ पे जो पहला काउंटर आयन आएगा उसको जो एटी से रिप्लेस नहीं करना है, जैसे आयरन है तो उसको आयरन ही रखना है. ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ब्रैकेट में क्या निकालेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. यहाँ पे इसको यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे CO2. ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे Fe4 Fe CN/6. पहला क्या है, आयरन, इसको एटी लगाना नहीं है. यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा वो निकालना है. उसके बाद क्या आता है, अपना जो काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन एटीडी है, बाकी का जो फॉर्मूला है वो वैसे की वैसे ही रहेगा. यहाँ पे क्या करना है, हेक्सासाइन, क्या आएगा, हेक्सासाइन. आप आयरन है तो उसको क्या कर देंगे, फॉरेट कर देंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालेंगे. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, जिस टाइप ऑफ कंपाउंड की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, हमको आप बताया कि जनरली और जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe की, ये दो टाइप की होती है. ठीक है, Fe की एक तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नहीं तो थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे दो Fe है, Fe एक जो काउंटर आयन है और दूसरा Fe जो सेंट्रल मेटल, एक एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल आयन. अब दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए, यहाँ पे आपको CN दिख रहा है. CN का आपको पता है कि जो चार्ज रहता है, इट इज मोनोन्यूक्लियर चार्ज विथ -1 = 6. ओके, तो हमको यहाँ पे पता है कि 6 मॉलिक्यूल्स है, साइनाइड की कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स है, तो 6 × -1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये पता है आपको, ये -6 ही आ जाएगा. अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी है ये 3 बार दी है, कितनी बार दी है, 3 बार दी है, यानी कि CN जो है ये कितनी बार होगा, 3 बार होगा, 3 टाइम्स होगा. तो 3 होगा, ये होगा 18, कितना होगा, -18. अब यहाँ पे आपको पता है अगर यहाँ पे -18 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, +18 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, +18 चार्ज आना चाहिए. अब +18 चार्ज कैसे आता है, अब यहाँ पे दो टाइप है जो आयरन का दिया है, अब यहाँ पे आपको पता है कि -18 आया समझे. तो यहाँ पे जो आयरन दिया है, पहला आयरन एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इस आयरन और इस आयरन में हमको कंपेयर करना पड़ेगा. यहाँ पे समझो इस आयरन की हमने +2 चार्ज लिया है, यहाँ पे +2 लिया है, एक तो नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे +3 हो जाएगा, नहीं तो +2 + 3, नहीं तो +3 + 2, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, ये चार्ज होगा, किसका, इन दोनों आयरन का एक चार्ज होगा. एक तो क्या होगा, +2 + 2 दोनों का चार्ज होगा, नहीं तो +3 होगा, नहीं तो +2 पहले का होगा, +3 दूसरे का होगा, नहीं तो +3 पहले का होगा और +2 दूसरे का होगा. अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे 2 कैसे कौन सा लिखना चाहिए, तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे. तो यहाँ पे आपको पता है कि Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4.
अगर यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट टू लिखी तो ये यहाँ पे क्या आएगा, एक एक कंपेयर करके ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहला एफ लिखा है, दूसरा एफ दिया। अगर पहला दिया है तो एफ पे कितना था, प्लस टू चार दिया, प्लस टू इंटू कितना होगा, फोर होगा, क्योंकि फोर टाइम्स है, तो कितना आएगा यहाँ पे एट आ जाएगा। और दूसरे का कितना है, प्लस टू लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, दो आ जाएगा, यानी आठ प्लस दो कितना आएगा, टेन आ गया। तो टेन नहीं हो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, माइनस एटीन का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि माइनस आठ यहाँ पे वैसे की वैसे ही यहाँ पे रह रहे। तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरा करके देखते हैं, फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे ट्वेल्व आ जाएगा और यहाँ पे प्लस थ्री आ जाएगा, कितना होगा यहाँ पे फिफ्टीन हो रहा है। तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि दो तीन इलेक्ट्रॉन जो है वैसे की वैसे ही वहां पे रह रहे। तो यहाँ पे ये करके देखते हैं, फोर इंटू टू इज इक्वल टू कितना होगा, एट होगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्लस थ्री, यहाँ पे फिर से कितना होगा, यहाँ पे इलेवन होगा, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो लास्ट का जो देखेंगे, फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा। और जो दिया है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितने एफ भी कितना टाइम्स था, थ्री टाइम्स था, कितना टाइम्स था, तो थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू कितना होगा, छ, कितना होगा, छ प्लस ट्वेल्व प्लस कितना होगा, छ इज इक्वल टू एटीन। यहाँ से एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, एक वैल्यू हम बोल देते हैं, यहाँ पे क्या करना था, हाँ फोर प्लस यहाँ पे टू करके देखेंगे, दोनों की ऑक्सीडेशन टू करके देखेंगे, फोर इंटू टू कितना होगा, यहाँ पे कितना आया, एट आ गया, यहाँ पे थ्री इंटू टू कितना होगा, छ आ गया, तो छ प्लस एट प्लस छ कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, फोर्टीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, ट्वेल्व आ रहा, थ्री इंटू यहाँ पे कितना आ गया, थ्री, ये भी कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है, यहाँ पे फोर इंटू थ्री लिया, यहाँ पे नाइन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है, नाइन, तो यहाँ पे कितना होगा, ट्वेल्व प्लस नाइन, ट्वेल्व प्लस कितना हो रहा है, नाइन, यहाँ पे इक्कीस हो रहा है, तो कितना हो रहा है, इक्कीस, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे करके देखेंगे, जीरो एट हो गया, यहाँ पे थ्री इंटू थ्री हो गया, यहाँ पे नाइन हो गया, यानी एट प्लस नाइन, यहाँ पे कितना हुआ, सेवनटीन। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बताता हूँ, हमको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इन दोनों का, एफ का और दिस एफ का, ओके। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हमको पता नहीं कि कौन से आयरन को कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना देना है। जनरली हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो एफ का एक तो प्लस टू रहेगा, नहीं तो थ्री रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके नहीं, प्लस टू करके देखेंगे, प्लस थ्री करके देखेंगे, एक प्लस टू करके और प्लस थ्री और प्लस थ्री और प्लस टू करके देखेंगे। यहाँ पे जो पहले फॉर्म में दिया है एफ फोर, यहाँ पे फोर टाइम्स था, कितने टाइम्स था, फोर टाइम्स था, इंटू वहां पे टू करके देखा, ये पहला जो है ये पहला फॉर्म करके देखेंगे, फोर इंटू टू एट हो गया, यहाँ पे थ्री टाइम्स था, ये आयरन कितने टाइम्स था, थ्री टाइम्स था, तो थ्री इंटू टू कर दिया, छह हो गया। यहाँ पे फिर से थ्री करके देखा है, यहाँ पे ट्वेल्व आ गया, ट्वेल्व प्लस नाइन इक्कीस हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, माइनस एटीन चार्ज के साथ। यहाँ पे जीरो एट आ रहा है, यहाँ पे सेवनटीन आ रहा है, यानी नाइन प्लस एट कितना हो रहा है, सेवनटीन, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो जो आखिर का जो देखा है हमने, फोर इंटू थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व, थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे टू था, थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स आता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी, यानी कि जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे इस आयरन की ऑक्सीडेशन थ्री होगी और यहाँ पे इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, टू होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड। वैसे उसी टाइप का एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर टू एफ पी सी एन बाय सिक्स, क्या दिया है, कॉपर एफ पी सी एन बाय सिक्स, हमको पता है एफ पे कितना, सी एन पे कितना चार्ज होता है, सी एन पे चार्ज होता है माइनस वन, यहाँ पे छह मॉलिक्यूल है तो माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स आता है। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो वन रहेगी, सॉरी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहेगी, एक तो वन रहेगी, नहीं तो टू रहेगी, नहीं तो कौन सी रहेगी, टू रहेगी। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताए, एक तो टू रहेगी, नहीं तो थ्री रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट की कितनी होगी और आयरन की कितनी होगी, ये हमको लिखना है। तो पहला जो नॉमेनक्लेचर देना है, पहले तो हम कॉपर लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, ब्रैकेट करने के बाद
हेक्सासाइनो लिख देंगे, हेक्सासाइनो। साइनो के बाद क्या होगा, फरेट होगा, क्या होगा, फरेट होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो पहले फिर से इसको करके देखेंगे, यहाँ पे क्या है, जो कॉपर दिया है यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉपर कितने बार दिया, टू टाइम दिया, टू इंटू वन करके देखेंगे, कितना करके देखेंगे, वन, इसको सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो कितना होगा, टू इंटू वन, वन आ जाएगा। आयरन कितने बार है, खाली एक ही बार है, ठीक है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन टू करके देखा हमने, यहाँ पे कॉपर का कर, यहाँ पे आयरन का कर, ठीक है। तो टू करके देखा, टू इंटू कितना हो जाएगा, वन ही है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, टू प्लस टू, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे कितना होगा, फोर ही होगा, ये सेटिस्फाइड होगा। पहले रूल से क्या होगा, ये सेटिस्फाइड होगा। अब कॉपर का हम सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के देखते हैं, कॉपर का क्या है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, टू, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर आर। यहाँ पे एफ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एफ एफ का जो है वो सेकंड ही लिखे, यहाँ पे टू इंटू कितने टाइम्स है, वन टाइम्स है, टू इंटू वन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, टू, यहाँ पे फोर प्लस टू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सिक्स। तो ये क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, यानी कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, टू है, और आयरन की भी कितनी है, टू है। यहाँ पे आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थ्री है वो करके देखने का काम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिया आपने तो थ्री इंटू वन आ रहा है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके दे सकते, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कॉपर की टू ली है, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, और ऐसे की थ्री ली है तो कितना हो रहा है, ये सेवन हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम इस टाइप के कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ कि जो चार्ज आ रहा है माइनस सिक्स आ रहा है सीएम का, तो उसका ही उतना ही चार्ज आना चाहिए जो सेंट्रल मेटल आइटम हमने लिए, ओके, विद काउंटर आयन। यहाँ पे कॉपर का प्लस टू आ गया और आयरन का भी क्या आ गया, प्लस टू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कॉम्प्लेक्स एनायन, यहाँ पे खाली कॉम्प्लेक्स एनायन दिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स एनायन दिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पेस देने का काम है, यहाँ पे आपको स्पेस देना था, यहाँ पे क्या देना था, आपको स्पेस देना था, ये स्पेस देना मत भूलिए, ओके, मैं भूल गया लेकिन आप मत भूलिए, ओके। तो यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है, काउंटर स्पेस देने का काम, काउंटर आयन ऑप्शन है, तो डायरेक्ट लिखना है टेट्राक्लोरो, टेट्रा अमाइन, क्या है, टेट्रा अमाइन, यहाँ पे क्या है, कॉपर है तो क्यूप्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, माइनस थ्री, यानी कि थ्री है, क्योंकि जो अमाइन है, अमाइन इज द न्यूट्रल टाइप ऑफ आयन, सो दैट द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आइटम इज थ्री प्लस थ्री, ओके। तो यहाँ पे सेकंड टाइप का दिखा है, एच जी आईपो, यानी कि मर्क्यूरेट है, ओके। तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रो, यहाँ पे क्या है, टेट्राहाइड्रो, आयोडाइड से क्या हो जाएगा, आइडो हो जाएगा, आयोडाइड इज रिप्लेस, यहाँ पे आईडी इज रिप्लेस बाय ओ, सो दैट आइडो, ओके। तो क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रो मर्क्यूरेट, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते, यहाँ पे आय का जो है चार्ज है माइनस वन था, माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू कितना है, माइनस टू, इज इक्वल टू कितना आएगा, फोर माइनस टू इज इक्वल टू प्लस टू, कितना आएगा, प्लस टू आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए जी सी एम बाई टू, यहाँ पे माइनस खाली साइन रहता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे जो है नाम लिखते हुए यहाँ पे डाय साइन दिया, डाय साइन, क्योंकि साइनमेंट जो आइटम है एक खाली दो ही बार है, डाय साइन, यहाँ पे अर्जेंटेड, सिल्वर को क्या बोलते हैं, अर्जेंटेड, अर्जेंटेड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, यहाँ पे माइनस वन है, कितना है, क्या आपको निकाल के देखिए, माइनस वन है, यहाँ पे साइन आइटम जो है माइनस वन इंटू टू है, इज इक्वल टू कितना आएगा, टू माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन, यहाँ पे कितना आएगा, वन आ जाएगा। वन किस में लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है, रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, ओके। डाय साइनो अर्जेंटेड, टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट, टेट्रा अमाइन क्यूप्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेट्रा साइनो, चार टाइम से तो टेट्रा साइनो होगा, अब निकले तो क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, निकलेट। निकलेट होने के बाद क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस फोर है, माइनस फोर इज इक्वल टू क्या है,
माइनस टू है तो यहाँ पे कितना आएगा, फोर माइनस टू इज इक्वल टू प्लस टू, कितना चार्ज आएगा प्लस टू चार्ज आएगा। ओके देन यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट। ओके तो यहाँ पे C2O4 ये ऑक्सैलेट है, ये क्या है ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट है तो क्या हो जाएगा ये ऑक्सैलेट, क्या है ऑक्सैलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज रिप्लेस बाय ओ ऑक्सैलेटो, क्या हो जाएगा ऑक्सैलेटो। अब यहाँ पे आपको माइनस फोर चार्ज होता है, C2O4 जो ऑक्सैलेट का चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज होता है इट इज द माइनस टू इंटू कितना है ये कितने बार है थ्री टाइम्स है, कितने टाइम दिया थ्री टाइम दिया इंटू थ्री हो जाएगा यानी कि माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस टू चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पे आप यहाँ पे लिखते हो इट इज द बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगैंड। आपने इसका स्ट्रक्चर देखा है तो इस तरह का आपको दिखेगा ओ नेगेटिव। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे दो दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे जो है दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर आइटम प्रेजेंट इट इज द बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगैंड, इट इज द बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे तीन टाइम से तो ये ट्रिस हो जाएगा ट्रिस, यहाँ पे क्या ऑक्सैलेट का ऑक्सैलेटो हो जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट करना पड़ेगा, और कोबाल्ट का कोबाल्ट हो जाएगा ब्रैकेट में जो चार्ज आए प्लस टू चार्ज ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। ओके इसके बाद जो है यहाँ पे सिलिकॉन का एग्जांपल दिया है हेक्साफ्लोरोसिलिकॉन। ओके तो यहाँ पे क्या करना है पहले तो दिया है यहाँ पे काउंटर आयन ऑप्शन डे, काउंटर आयन ऑप्शन डे तो क्या है डायरेक्ट हमको लाइगैंड का नेम लिखना है हेक्साफ्लोरो हेक्साफ्लोरो के बाद क्या हो जाएगा सिलिकॉन है तो क्या हो जाएगा उसका सिलिकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिलिकेट। अब सिलिकेट के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे हमको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है माइनस सिक्स आपको बताया ये एफी का वन एफी का कितना होता है माइनस फोर इंटू कितना है सिक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस सिक्स सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना होगा फोर होगा, कितना होगा फोर यहाँ पे चार्ज आ रहा है सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है टू आ रहा है कितना आ रहा है यानी सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू कितना होगा सिक्स माइनस कितना टू है कितना होगा फोर ही होगा। यहाँ पे फोर लिखा है रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल मॉलिब्डेनम। ओके ऑक्टा साइन ऑफ मॉलिब्डेनम यहाँ पे ऑक्टा है एट टाइम से तो ऑक्टा। ओके छह टाइम हो तो हेक्सा, सेवन टाइम होगा तो हेप्टा। ओके छह टाइम होगा तो बोला हेक्सा होगा, सेवन टाइम होगा तो हेप्टा होगा, और एट टाइम होगा तो ऑक्टा होगा ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टा ऑक्टासाइनो मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम है तो मॉलिब्डेट हो जाएगा मॉलिब्डेट एटी से रिप्लेस करना। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है यहाँ पे एट टाइम्स है तो यहाँ पे एट आ जाएगा अब एट माइनस कितना होगा फोर होगा यहाँ पे माइनस कितना होगा प्लस फोर होगा कितना होगा दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड ऑक्टासाइनो मॉलिब्डेट फोर फोर रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है और ब्रैकेट में यहाँ पे ईडीटी दिया क्या दिया ईडीटी। नेक्स्ट एग्जांपल इज द निकेल इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब टेट्रा एसिडिक एसिड है तो टेट्रा एसिडो एसिड है। ओके तो यहाँ पे क्या है फिर से हमको नाम लिखना है यहाँ पे एक ही टाइम है तो इथिलीन डायमाइन इथिलीन डायमाइन। अब इथिलीन डायमाइन है सिंगल टाइम है तो कुछ यहाँ पे बीस ट्रेस लिखने का काम ही नहीं ठीक है डायरेक्ट लिखना है इथिलीन डायमाइन ऐसे टाइटो इथिलीन डायमाइन ऐसे टाइटो निकलेट क्या हो जाएगा निकलेट। ये जो टाइप का लिगैंड है इथिलीन डायमाइन इज द न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगैंड सो दैट
न्यूट्रल टाइप का लाइगेंड होगा तो जो चार्ज है काउंटर आयन पर उतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा, यानी कि 2 चार्ज आएगा। ओके, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कॉम्प्लेक्स एनायन। उसके बाद है द नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को आपको बताएं कि यहाँ पे जो हमने एटी से रिप्लेस कर दिए थे सेंट्रल मेटल एटम, अब यहाँ पे हमको सेंट्रल मेटल एटम को एटी से रिप्लेस नहीं करना है, बाकी का वैसे के वैसे ही होगा। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको क्या लिखना है, पहले लाइगेंड लिखने हैं, लाइगेंड लिखने के बाद क्या लिखना है, मेटल का नाम लिखना है, एज इट इज एटी से रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, लेकिन ओवरऑल चार्ज जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे वो चार्ज कैसा रहता है, जीरो रहता है, लेकिन काउंटर आयन पे सेंट्रल मेटल आइटम पे चार्ज आता ही है जब उसके पास एनायोनिक टाइप ऑफ लाइगेंड होगा। तब यहाँ पे एनायोनिक टाइप ऑफ लाइगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो यहाँ पे अमाइन है और नाइट्रो है, तो पहला जो टाइप है हमने बोला था कि तीन टाइप है तो ट्राई अमाइन होगा, क्या होगा, ट्राइमाइन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रेटो है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रेटो, कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो ट्राइनाइट्रेटो के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एटम टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे यन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यन, यहाँ पे क्या, कौन सा मेटल एटम है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट एज इट इज कोबाल्ट, यहाँ पे आपको उस मेटल आइटम को एटी से रिप्लेस नहीं करना है। अब यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सेंट्रल मेटल आइटम की निकालनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे एनओ टू जे ये कितने टाइम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1 टाइम डोनेट करता है, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो -3 होगा, कितना होगा, -3, और आज चार्ज जो है जीरो हो जाएगा, यानी कि क्या, यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख सेकंड वन इज द Fe CO/5। CO को किससे हम डिनोट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम डिनोट करते हैं कार्बोनिल से, किससे डिनोट करते हैं, कार्बोनिल, यहाँ पे CO/5 है, Fe CO/5, यानी कि क्या, पेंटा कार्बोनिल आयरन, क्या हो जाएगा, आयरन। अब यहाँ पे जो लाइगेंड है ये कैसा है, न्यूट्रल टाइप का लाइगेंड है, तो यहाँ पे चार्ज जो ओवरऑल चार्ज आता है काउंटर सेंट्रल मेटल आइटम पे जीरो आता है, कितना आता है, जीरो, जीरो भी लिखना है लेकिन किसके लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, रोमन न्यूमेरिकल फॉर्म, और रोमन में वैसे की वैसे आएगा जीरो। ओके, देन रोडियम का है, आधे चने क्या होता है, रोडियम होता है, यहाँ पे क्या है, पहला ट्राइअमाइन के कितने बार, कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो ट्राइअमाइन, यहाँ पे थायोसाइनेट दिया है, आइसोथायोसाइनेट यानी क्या होता है, यहाँ पे आइसोथायोसाइनेट यानी इस तरह का होता है, और थायोसाइनेट यानी क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, तो यहाँ पे थायोसाइनेट, कौन सा है, थायोसाइनेट, वो 3 टाइम से, कितने टाइम से, 3 टाइम से, यानी कि क्या, ट्राइअमाइन थायोसाइनेटो इज रिप्लेस बाय ओ, रोडियम, क्या हो जाएगा, रोडियम। ये भी कैसा है लाइगेंड है, ये -1 चार्ज न्यूक्लियर चार्ज डोनेट करता है, 3 टाइम्स में कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, 3 आ गया, सेंट्रल मेटल आइटम पे चार्ज कितना है, 3, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज है पूरे काउंटर आयन पे कैसा है, 0, सो दैट इट इज न्यूट्रल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्रोमियम का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनिल, यहाँ पे CO/5 है, तो यहाँ पे पेंटा कार्बोनिल के बाद क्या आता है, यहाँ पे बिस्क्रिस हमने यूज किया था ट्राइपिनिल फॉस्फाइन के लिए, PPS3 यानी क्या होता है, ट्राइपिनिल फॉस्फाइन, PPS3 यानी क्या होता है, ट्राइपिनिल फॉस्फाइन। ओके, तो एक से ज्यादा बार होंगे तो हमको उसको 20-30 यूज करना है, लेकिन एक ही टाइम है तो डायरेक्ट हम उसको लिख देंगे, ट्राइफिनिल फॉस्फाइन। अब ट्राइफिनिल फॉस्फाइन के बाद जो क्रोमियम है, आज इसे सीखना है, क्रोमियम
क्रोमियम जो चार्ज है ओवरऑल चार्ज कैसा जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों न्यूट्रल टाइप ऑफ लगा ले तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा जीरो, वो भी ब्रैकेट में लिख दिया। पेंटा कार्बोनिल ट्राइकेनिल फॉस्फाइल क्रोमियम, यहाँ पे आपने देखा होगा तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए, कॉम्पाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न से बनते, ये तो स्पेशल ही आए हमें, लेकिन ये जो अलग टाइप के जो एग्जांपल थे ये दोनों स्पेशल हमने डिस्कस किए। यहाँ पे सीओ टू एफी बाय सी एन सिक्स और एफी फोर एफी सी एन बाय सिक्स, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल भी आपको पूछे जा सकते हैं, बाकी के एग्जाम्पल तो इजी आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अरे खाली एक बात याद रखना है, न्यूट्रल टाइप के लाइगेंड में आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल मेटल आइटम को एटी से रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल अक्सर यहाँ पे पूछे जाते हैं। थैंक यू।